अच्छा सुख सहजा कार आनंद हमारा। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शहादशाह जिस पास बैठे सोहिया सब ना दावे सा। सुख टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु का जन्म मरण दुख जाए। सतनाम वाहे गुरु साहब जी राग सोरठ बाणी भक्त रविदास जी की ओंकार। सतगुर प्रसाद चमरता गांठ न जन लोग गठावे पनही चमरटा गांठ न जन लोग गठाव पन ही रहा। आर नहीं जेह तो नहीं रामी गंठ गंठ खराबी गुचा हाँ बिन गांठे जाए पहुंचा। रविदास जप राम नाम मोहे जाम से नाही काम। रविदास जप राम नाम नहीं काम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु जी सतनाम। श्री वाहिगुरु जी एक ओंकार। सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूरी सैभं गुरु प्रसाद।
जागत जोत जपै निसबासुर एक बिना मन नैक ना आने पूरन प्रेम प्रतीत सजै व्रत गोर मड़ी मट भूल ना मन तीरथ दान दया तप संजम एक बिना नह एक पछाने पूरण जोत जगे कट में तब खालस ताहे न खालस जाने पूरण जोत जगै कट में तब खालस ताहे न खालस जाने तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे परम पवित्र चरणा चरण कमला विखे हाजिर हो रहा है आदर योग सत्संगी अथवा दूर दुराडे बैठ के इंटरनेट राही जां टीवी राही गुरबाणी विचार सरवण करन जा रहे आदर योग गुरु आओ गुरबाणी विचार प्रारंभ करन तो पहला सब तो पहला प्यार सतगज बज के फतेह बुलाइए जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु तन तन साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज तीसरे पातशाह श्री आनंद साहिब विच फरमान करते हैं भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना क्योंकि अज आपां सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज विच विराजमान महान भगत बाबा रविदास जी दे बचन विचारण लगे हैं ते उन्हां दे बचन भी कुछ इसे ख्याल वाल इशारा करते हैं मैं बेनती कर रहा सर सतगुरु कहते हैं भगतां की चाल निराली चाला निराली भगतां केरी बिखम मार्ग चलना भगतां दी चाल निराली है सतगुरु आखदे ने इस लई निराली है औखे रस्ते ते चलदे ने आओ जरा इन सारे बचनां नूं ध्यान नाल विचारण दा यतन करिए लफज निराली दा अखरी अर्थ की है ये ठीक है आम हालात विच असीं निराली जां निराला दा अर्थ वखरा जां वखरी ही समझ लैने आ अंग्रेजी विच आखदे ने इट इज डिफरेंट हो सकदा कोई आखे ना इट इज सेपरेट खिमा कर देना डिफरेंट होना वखरा होना सेपरेट होना कुछ अलग बात है हां लफज निराली दे अर्थ वखरा डिफरेंट जां सेपरेट नाल मेल नहीं खांदे ये कुछ होर अवस्था है कुछ होर बात है इस तरह कह लिए निराली का अखरी अर्थ जे पंजाबी विच करिए ते भाव है अदुति जिस वर्गी होर कोई नहीं अदुति हिंदी विच अद्वितीय आखांगे ते अंग्रेजी विच ते फिर इसके बराबर का लफज है यूनीक भगतां दी चाल यूनीक है जिस वर्गी चाल होर कोई नहीं चलदा भगत ओ चाल चलदे ने भगत उस रस्ते ते चलदे ने जिस रस्ते ते दुनिया दे लोक नहीं तुरदे किते भुलेखा ना पै जाए मत समझ लिए कि इत्थे किते दुनियावी रस्ते दी गल हो रही है भई हां भगत चलदे ने दुनिया चलदी है पक्कियां सड़कां ते भगत किते खड्डियां विच चलदे ने औखे रस्ते ते चलते हैं भाव ऐसा नहीं हरगिज ऐसा नहीं
सारी दुनिया वो चाल चलती है जिसका जिक्र अगली पंक्ति में है। गुरु आखते ने दुनिया चाल चल रही है लब लोभ अहंकार। कदे नजर मार के वेख लेना सारी दुनिया की चाल बिल्कुल यही ही होगी। लोभ की चाल चल रहा है सवेर तो लैके शाम तक भजद लोभ विच। मैं सोचदा जे आ एक लोभ कट दई ना जीवन विचों सच जानना यह सारी दौड़ भज मुक जाएगी। भजन की लोड़ है? लोभ है तो भज रहे हैं, लोभ है तो लड़ रहे हैं, लोभ है तो ठग रहे हैं, लोभ है तो बेईमानी कर रहे हैं। मैं फिर दोहराना गहराई नाल सोचना सारा जगत एहा चाल ही चल रहा है, ए चाल लोभ वाली चाल। आम हालात विच असीं ना लब ते लोभ विच बहुता फर्क नहीं समझते, पर गुरबाणी पढ़दे जितना को गुरु जी ने कृपा की बख्शिश की समझ आई। लब दा अखरी अर्थ है खाण वाला लोभ, सौखे लफ्जां विच जुबान दा लोभ, जुबान दा चस्का। बहुत बार वेखदे हां पेट भरिया होया है होर लोड़ नहीं खाने की, पर अखां तक दिया ने फलाना पदार्थ बड़ा सुंदर लगता है, नासिका महसूस कर दी खुशबू बड़ी सोहनी आ रही है, मन ललचा जांदा है होर खा लई है। लब बस लब ते लोभ विच इह नहीं फर्क है। लब है कि पेट रज्या होया है होर खा रहा होर खा रहा होर खा रहा। मैं फिर दोहराना अज की दुनिया के बहुतियां मौतां भुखे रहने नाल नहीं होंदियां, बल्कि इस लब दे करके हो रही ने, वध खाण नाल हो रही ने। हुण दुनिया चल चलती है लब वाली चाल, जुबान दे चस्के वाली चाल। दुनिया चाल चलती है लोभ वाली चाल, माया दा लोभ वाली चाल, ते जां फिर दुनिया चाल चलती है अहंकार वाली चाल, होर ते कुछ भी नहीं। चलो ये गल आखण दी आग्या देना। राजनीतिक दौड़ भज पता की है? कख भी नहीं, सिर्फ अहंकार वाली चाल है। अहंकार है मन चंद है दूजे मेरे हुक्म विच होण, हुण दूजे हुक्म विच होण इसलिए कुछ शक्ति चाहिए है, शक्ति चाहिए है, इसलिए राजनीतिक सत्ता हासिल करन दे लई दौड़ रहे ने लोग। और सवेर तो लैके शाम तक, सवेर तो लैके शाम तक सच जानना। एक दिहाड़े मैं पाठ कर रहा सा ते महाराज गुरु तेग बहादुर साहिब सचे पातशाह की एक पंक्ति मेरे सामने आ गई। गुरु आखदे ने सुख कह हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की, द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की। मैं हैरान होया हे मेरे सतगुरु गुरु तेग बहादुर तुसी इन्हें दूरदृष्टा साओ, हालांकि अज वर्गी राजनीतिक दौड़ भज उस वेले नहीं सी, पर जो कुछ गुरु आख रहा है मैनू इउं जापदा है। हां होर पक्षां तो भी सच हो सकता है, तुसी अज वेख्या होना है। मन विच ये ख्याल है राजनीतिक शक्ति मिल जाए मैं चोण लड़ लवां, मन विच ये ख्याल है, रातां जाग जाके मेहनत करदा है। कल नू सुख मिलेगा, कल नू गद्दी ते बैठांगा, कल नू हुक्म चलाउण जोगा होवांगा, लोकां नू अपने वस विच कर सकांगा, इसलिए अज ही रात रात पर जाग जाग के काम करदा है, अज ही अपना सुख खराब कर रहा है। सुख कह हेत बहुत दुख पावत, अज ही दुखी हो रहा है। सेव कर तो जन जन की आ अगली पंक्ति जड़ी है ना बड़ी क्रांतिकारी बड़ी महत्वपूर्ण। कितने राजनीतिक लोगों का जीवन देखना यह कुछ नहीं हो रहा, हर घर से जाएंगे हर दरवाजे में जाएंगे हाथ जोड़ के आखणगे इस बार सानू सपोर्ट करना, इस बार सानू वोट पाना। कादे लई? बस मन में एक ख्याल
एक बार शक्ति हाथ आ जाए, एक बार सत्ता हाथ आ जाए, बस फिर जिन्हां दे सामने अज हाथ जोड़ रहे ना, सारी जिंदगी हाथ जोड़ते रहेंगे, फिर मैं कितने पुछना है। पर अज हाथ जोड़ रहे हैं। सतगुरु आखते ने द्वार है द्वार स्वाण ज्यों डोलत, बंदे बंदे दे सामने हाथ जोड़द, जने खने दे सामने हाथ जोड़द, मिन्नत करद कादे लई, बस एक बार मैनू कुछ मिल जाए। अहंकार की दौड़, हंकार चाहता है पदवी होवे, हंकार चाहता है सत्ता होवे, हंकार चाहता है पावर होवे। इसलिए अज सारे दे सामने हाथ जोड़ रहा है। मेरे सतगुरु आखते ने पता है इसकी हालत किहो जी है, सच जानना, मेरे बोलने क्षमा कर देना, मेरे विच इन्नी हिम्मत नहीं कि मैं गल कह सकां, पर क्योंकि सतगुरु के बचन ने मैं सिर्फ व्याख्या कर रहा। गुरु कहते हैं हर दरवाजे से हाथ जोड़ता फिरदा, पता है किवें, जिमें हर दरवाजे से कूकर खड़ा हो, हर दरवाजे से कूकर मूह मार रहा हो, हर दरवाजे से कुत्ता पटक रहा हो। गुरु कहते ने द्वार है द्वार स्वाण ज्यों डोलत, नह सुध राम भजन की। मैं फिर दोहराना, सारी दुनिया ए चाल चल रही है, सारी दुनिया लब वाली चाल, लोभ वाली चाल, अहंकार वाली चाल, सारी दुनिया एक चाल होर चलती है, बहुत बोलती है, बहुत बोलती है। कदे ऐसा तजर्बा करके वेखना, असी जिन्ना ज्यादा बोलते हैं ना, जीवन चलाने दे लई शायद इस दा दसवां हिस्सा बोलने की भी लोड़ नहीं, बाकी तो वाधू ही बोल रहे हैं, बेकार, जिसका कोई अर्थ नहीं। हां, यह भी बड़ी अजीब गल है, जिथे बोलना चाहिए उथे तो मनुख चुप रहा है। कदे वेख लेना, किसी को आखो ना जरा 10 मिनट बोल, वाहेगुरु वाहेगुरु जप, बड़ा औखा है बोलना, 2 मिनटां बाद ही जुबान बंद होने लगती है। पर ओही लोग जड़े 10 मिनट वाहेगुरु नहीं कह सकते, मैं वेख्या घंटियां बद्धी वाधू गल्लां मारते रहेंगे। लब लोभ अहंकार ए वाली चाल है जगत की, वाधू बोलन वाली चाल है। भगत रविदास वाहेगुरु महाराज गुरु अमरदास आखते हैं आनंद साहिब विच, भगत की चाल इसे लिए निराली है, इसे लिए अदुत्ती है, इसे लिए यूनीक है, क्योंकि वो ये वाली चाल नहीं चलता। लब लोभ अहंकार तज तृष्णा, बहुत ना ही बोलना, बहुत नहीं बोलता, नहीं बोलता, ना लब वाली चाल भावना खाण का चस्का, ना लोभ वाली चाल, ना किते इस गल की इच्छा, मेरे को माया बहुत ही हो जाए, माया बहुत ही हो जाए, ना किते हंकार की कोई खिच, कुछ भी नहीं, ना वादू बोलन की इच्छा। यकीन जानना, कदे कदे तो ऐसा प्रतीत हुंदा है, बंदा पता है वादू क्यों बोलता है, अंदर कुछ है नहीं, अंदर कुछ है नहीं जड़ा किसी नूं प्रभावित कर सके, जीवन एहो जिहा नहीं जड़ा किसी नूं प्रभावित कर सके। हुण यतन करदा है, मैं बोल बोल के लोगों नूं प्रभावित कर लवां, बोल बोल के कर लवां, लोग जान लैण मैं बहुत सियाणा, लोग जान लैण मैं बहुत ज्ञानवान, वधू बोलदा है। चलो आपां शब्द विचार प्रारंभ करदे हां, एक गल होर समझ लई, दुनिया के लोग ना इसलिए भगत जनों की अवस्था जानते नहीं, भगत की गल समझते नहीं, ना दुनियावी तौर पर ना आध्यात्मिक तौर पर, दुनियावी तौर पर भी नहीं जानते, क्षमा कर देना, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के वाक पढ़िए ना, दातार कहते हैं किसी की अवस्था समझने के लिए खुद उत्थे पहुंचना जरूरी है, उस लैवल पर होएगा तो समझेगा ना की आख रहा है।
मैं अंग्रेजी बोल रहा वो है ही समझेगा ना, जिसने अंग्रेजी पढ़ी है जिसन समता ही समझ आएगी जे जानता है, इस तो कट की जानेगा उसका की लिखे मां। तो सिर्फ एक उदाहरण है। अध्यात्मिक जीवन दिया जिन्ना ऊंचाइया का जिक्र श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज में है बहुत बार इसे लिए समझ नहीं आता, क्यों? क्योंकि साड़ी आत्मिक अवस्था उत्थे है नहीं, इसलिए समझ नहीं आती, नहीं समझ आती। गुरबाणी इसे लिए समझनी औखी है, दुनियावी तौर पर भी अध्यात्मिक तौर पर भी। चलो कुदरती मैं याद आ रहा है तुहाडे नाल साझा कर लवां, क्योंकि महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह कलगीधर पिता का पावन प्रकाश दिहाड़ा नजदीक आ रहा है। मेरा मन करता है गुरु के बचन गुरु की महानता भी आप समझ का यतन करिए। मैं याद है बहुत साल पहला जिस वेले एक बार लखनऊ तो सेवा करके वापस परत रहा सन, गड्डी चढ़नी लगा सन, जदों एक नौजवान दौड़दा होया मेरे पास आया, आखन लगा बड़ी खुशी हुई कथा सुन के मेरा मन प्रसन्न होया, बस मैं जांदियां जांदियां एक गल दस जाना। मैं कहा दसो पुछो। आखन लगा मेरे दोस्त मैनू आखदे ने देखो ना महाराज गुरु नानक देव ने ते जनेऊ जन्यू नहीं सी पहनिया। इतिहासक वार्ता है महाराज गुरु नानक देव ने हिंदू धर्म विच पहनाया जाण वाला धार्मिक धागा जन्यू जनेऊ यज्ञोपवीत नहीं सी पाया। कहन लगा मैं कॉलेज पढ़ता मेरे मित्र आखदे ने गुरु नानक ने ते एक जनेऊ नहीं सी पाया, गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज ने ते पंज ककार पहना दिते, कि ये पंज ककार पंज जनेऊआं वर्गे नहीं ने, क्यों पाउंदे हो? मैं फिर दोहराना भगत की गल ही समझ नहीं आती, क्योंकि असी अध्यात्मिक तौर पर बड़े नीवे हैं, ना संसारक तौर पर गल समझ आती है ना अध्यात्मिक तौर पर समझ आती है। गुरु निरंकार रूप गुरु परमेश्वर विच अभेद सतगुरु की गल समझ विच आ जाए है जरा औखी खेड। सिख ते अणजाण कोने विच इहो जिहे सवालां नाल उलझ जांदे ने, ते जिहड़े विरोधी ने ना ओह जाण बुझ के इहो जिहे सवाल घड़ घड़ के सामने लियांदे ने तां कि सिख की श्रद्धा गुरु नालों टुट जाए। आखण लगा दसो गुरु नानक ने ते एक जन्यू नहीं सी पाया, एक धार्मिक धागा एक धार्मिक चिन्ह नहीं लोड़, गुरु नानक कहण लगे। ते गुरु कलगीधर महाराज सचे पातशाह ने पंज धार्मिक चिन्ह एक नहीं पंज हुक्म कीता, खालसे ने पहनने ने। कहण लगा हैरान होना मेरे दोस्त भी आखदे ने एक धार्मिक चिन्ह प्रवान नहीं गुरु नानक नूं, ते पंज धार्मिक चिन्ह गुरु कलगीधर ने पवा दिते, ये पंज दे पंजे उस जनेऊ वर्गे नहीं है। अज आप इस गल की विचार करनी है और यतन करांगे आने वाले दिनों में महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह की फिलासफी नूं सतगुरु के जीवन विचों गुरु के बचना विचों समझ सकीए, क्योंकि बड़े महत्वपूर्ण दिन चल रहे हैं। क्योंकि गड्डी चलण वाली सी मैं उसनूं प्यार नाल आख्या गुरमुखा यह सवाल ते आराम नाल बह के समझण वाला सी, हुण ते समा बड़ा थोड़ा रह गया है किवें समझेगा? आखण लगा संखेपता नाल ही समझा दिओ। मैं कहा चलो यतन करदे हां, सिर्फ इना दस पता है कि गुरु नानक ने जनेऊ क्यों नहीं सी पाया? पता है? कहण लगा इह ते पता है कि गुरु नानक ने जनेऊ जन्यू नहीं सी पहनिया, पर ए नहीं पता क्यों नहीं सी पाया। मैं क्या बस यही कारण है, जे ए पता हुंदा कि गुरु नानक ने जनेऊ क्यों नहीं पाया फिर ए भी समझ आ जानी सी गुरु कलगीधर ने पंज ककार क्यों बख्शे। कारण दोवां दा इको है, उत्थे जनेऊ ना पहनण दा, इत्थे पंज ककार पहनण दा। बेस रीजन इको है, रूट काज इको है, कोई वखरा नहीं। बड़ा हैरान होया
ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਣਦੇ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪੰਜ ਪਹਿਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ, ਯਤਨ ਕਰਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਚੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਪੁੱਤਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾ ਦਈਏ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦਾ, ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੜੀ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਉਹ ਨਾਲ ਨਿਭ ਸਕੇਗਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਖੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਸਨ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਬਾਤ ਤੇ ਭਲੀ ਕਿ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਏ ਫਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਏਗਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਨਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਸ਼ਾਟ ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਝ ਜਨਮਦਿਆਂ ਸਾਰ, ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਮੈਂ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪੇ ਹੀ ਉਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝ ਲਵੇਗਾ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ? ਜੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਪੁੱਤਰਾ 10 ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਟੀਕਾ ਲਾਵਾਂ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਲਵਾ ਲਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਰੋਂਦੇ ਕਲਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘੜੀਸਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਆਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਏਗਾ। ਸਭ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਦਾ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਧਰਮ ਵੀ ਧਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹਾਲਾਂ ਕੋਈ ਉਮਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਿਰਫ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ? ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਓ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ? ਕੀ ਧਰਮ ਸਿਰਫ ਬੁੱਢਿਆਂ ਵਾਸਤੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡੇ ਹੋ ਲੈਣ
फिर धर्म सिख लैन गए। बस यही गलती ना सानू बड़ी महंगी पै रही है। रोज योदे प्रेमी मैं मिलते रहेंगे जड़े आखते रहेंगे भला दसो मेरे ना बच्चे गुरुद्वारे नहीं आते, तुम अरदास करो, तुम कुछ समझाओ। तो मैं सोचना कमाल हो गई, हूं मैं कि गोली घोट के इसमें पियाव भी गुरुद्वारे आना शुरू होता है, नहीं फिर तो मुश्किल होता है। ये काम तो मां बाप ने करना सी, बचपन तो ही करना सी। चलो गल लंबी ना हो जाए। महाराज गुरु नानक देव दे पिता मेहता कालू साहब ने सोचा बच्चा बचपन तो जवानी वल जा रहा है, धर्म धारण करवा दें। संखेपता नाल विचारीए, एक दिन सारिया इकट्ठा किया, रिश्तेदारों भी इकट्ठा किया। मेरा ख्याल है बहुते नहीं तो सैकड़े लोग उस दिन जरूर गुरु नानक के घर हो गए। इस प्रोग्राम आखिर इलाके दे पटवारी दे पुत्र दा ए धर्म धारण करन दा प्रोग्राम है, कोई छोटी मोटी गल थोड़ा सी। मेहता कालू साहब इलाके दे मन्ने परमन्ने व्यक्ति ने, बरादरी विच सत्कारे होए व्यक्ति ने, राज मुसलमानां दा है पर इस दे बावजूद चंगी जाब ते लगे हुए ने, चंगी नौकरी करते हैं, बड़े मुसलमान मित्रां नाल भी दोस्ती होगी। सो मैं ख्याल करदा उस दिन गुरु नानक दे घर विच जिथे बड़े बरादरी दे लोग आए होणगे, जिथे बड़े मुसलमान मित्र आए होणगे मेहता कालू साहब दे, बड़े विद्वान ब्राह्मण भी पहुंचे होणगे, क्योंकि इलाके दे पटवारी दे पुत्र दा धार्मिक प्रोग्राम है। मैं सारा कुछ इसलिए इलैबोरेट करन दा यतन कर रहा, पोर्ट्रेट करन दा यतन कर रहा, ताकि सानू समझ आ जाए हालात के हो जाए सन। सच गल जे साडे सामने किते दो बंदे बैठे होण ना जिन्हां दे बारे विच पता होवे, इन्हां नू मेरे विचार पसंद नहीं आने, औखे होणगे, सानू सच कहना औखा हो जांदा है, सच बोलना इन्ना औखा है। पर कदे सोचा जाए गुरु नानक की उम्र 9 साल है, घर में सैकड़े लोग इकट्ठे ने जिन्हां विच मुसलमान ने, हिंदू ने, खत्री ने, ते सब तो वड्डी गल विद्वान ब्राह्मण भी है ना। गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं जिस वेले जनेऊ पहनाया जाण लगा, पंडित हरदयाल होरी हाथ वधा के गुरु नानक दे गल विच जनेऊ पाण लगे, गुरु नानक ने पुछ लिया पंडित जी की करन लगे हो? जवाब मिलिया नानक जी तुहाडे गल विच इह धागा पाण लगा, यज्ञोपवीत जनेऊ जनेऊ पहनाउण लगा। गुरु नानक कहण लगे क्यों पहनाउण लगे हो? जवाब मिलिया इस लई जे पहन लाओगे ना तां उच्ची जात दे हिंदू समझे जाओगे। बस इन्हां लफ्ज़ां वल ख्याल करना, जे पहन लाओगे तां उच्ची जात दे हिंदू समझे जाओगे। ते गुरु नानक कहण लगे जे ना पावां ते फिर? जवाब मिलिया फिर नीवी जात दे शूगर समझे जाओगे। बस इस स्टेटमेंट नूं याद रखना, गल समझो चाह जाएगी, जे पाओगे तो उच्ची जात दे हिंदू, तो जे नहीं पाओगे तो नीवी जात दे शूदर। जरा पड़चोल करिए ना हिंदू समाज विच ए जड़ी प्रथा है इसके पिछे की है। दरअसल वर्ण वंड दा उच्ची नीवी जात दा प्रतीक है। जेड़ा धागा ब्राह्मण दे गल विच पाउणा है वह होर किस्म दा है, उंदे उत्ते गंढा मारियां जाणियां ने मंत्र पढ़ के, वक्री गिनती है उन्हां दी, वट चढ़ाए जाने ने अलग गिनती है, ताकि वेखदिया सारी पता लग जाए जिसने इहो जिहा जनेऊ पहनिया होवे ना वह उच्ची जात दा ब्राह्मण है। जेड़ा जनेऊ खतरी नूं पहनना है वह अलग किस्म दा है, अलग गंढा ने, अलग गिणती दे वट ने। जेड़ा वैश्य नूं पहनाना है वह अलग रंग द, अलग ढंग द, अलग किस्म द, अलग गंढा वजिया ने आते थे। शूदर नूं इसे लई नहीं पहनाना दिस पवे यह सब तो नीवा है, सब तो नीवा है, शूदर है। यकीन जानना इस मामले विच मैं प्रतीत करदा हिंदू समाज विच इस्त्री दी दशा किसे शूदर नालों बेहतर नहीं। ना इस्त्री नूं जन्यू पहनना है,
ना शूदर नू पहनाया जाना है, शूदर ने नीवे ने वर्णमंड का प्रतीक। चलो गल लंबी ना हो जाए। गुरु नानक ने पूछा क्यों पाउण लगे हो? जवाब मिलिया इस लई जे पा लोगे उच्ची जात दे हिंदू मन्ने जाओगे। ते गुरु नानक कहण लगे जे ना पावां ते फिर, जवाब मिलिया फिर तुसीं नीवी जात दे शूदर समझे जाओगे। गुरु नानक आखण लगे पंडित जी जिवें ही पावांगा मेरे मन में ख्याल आवेगा ना मैं उच्ची जात दा हो गया, ते जदों मैं अपने आप नूं उच्चा समझांगा कुदरती गल मैं दूजिआं नूं नीवां समझांगा, ते जदों दूजिआं नूं नीवां समझांगा ना फिर कुदरती गल मैं तां नफरत करांगा ना उहनां नूं। कि तुसीं मैनूं इस धार्मिक करन नाल नफरत करनी सिखा रहे हो? गुरु आखण लगे हां, धर्म का आधार नफरत नहीं प्रेम है। किते एहो जिहा धागा दिओ जिस दे पाउण नाल मैनूं इंसानां नाल नफरत नहीं बल्कि प्यार करन दी जा जावे। गुरु ने आख्या ना दया कपा संतोख सूत जत गंढी सतवत, एह जनेऊ जी का हई ता पांडे घत, ना एह टुटै ना मन लगै ना एह जलै ना जाए, धन सो नानक मानसा जो गल चलै पाए। भाव गुरु नानक सच्चे पातशाह इसलिए नहीं पहनते, क्यों? क्योंकि यह उच्ची नीवी जात का प्रतीक है, वड्डे छोटे का प्रतीक है, दूसरे डब्सा में नफरत का प्रतीक है। गुस्ताखी लिखे मां सच तो यह ही है। आओ हुण जरा विचारीए, नौजवान सवाल कर रहा सी ना, गुरु नानक ने एक धार्मिक चिन्ह एक दिन वो नहीं पाया, ते गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज ने पंज ककार बख्श दिते, ये पंज किते पंज देवों वर्गे नहीं है गए? बस इसे लिए आप गल विचार रहे सर। श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने पंजा सिंघां दी पंजा सिखां दी चोण करन तो बाद, प्रीख्या करन तो बाद हुक्म कीता हुण पंज ककारां तो घट गल नहीं बनेगी। हाँ वैसे गहराई नाल विचारीए ना यकीन जानना समझ आ जाएगी। ऐसा नहीं सी कि महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह ने अचानक ही ऑल ऑफ ए सडन ये हुक्म कर दिता भई केसाधारी हो, नहीं, आम करके केसाधारी सन। उदाहरण दें, गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज सच्चे पातशाह ने रेंडमली चोण की, हुक्म की सी कोई उठो जेड़ा सीस पेट करे, कोई उठो जेड़ा सिर दे वे। भाई साहब भाई दया राम जी, भाई साहब भाई धर्मदास जी, भाई साहब भाई हिम्मत राय जी, भाई साहब भाई मोहकम चंद जी, भाई साहब राय जी, पांच वख वख देशां विच वख वख थावां ते रहण वाले पांच वखरे वखरे व्यक्ति उठे। ये गल ठीक नहीं, पंजां दा पहरावा अलग अलग होवेगा क्योंकि वख वख थावां तों है, कोई लाहौर तो है, कोई हसनापुर तो, कोई जगन्नाथपुरी तो, कोई द्वारका तो, कोई बिदर तो, सारियां दे पहरावे अलग होणगे, सारियां दा खाण पीण अलग होवेगा, रोटी ते सारियां दी अलग किस्म दी होवेगी, आदतां अलग किस्म दीआं होणगीआं, सारियां दी बोली अलग होवेगी, पर सारियां विच एक गल सांझी सी कि पंजे दे पंजे केसा तारी ने, क्योंकि इस तों घट ते अमृत संचार हो नहीं ना सकदा, केसा तारी ने, उस तों भी वड्डी गल पंजे दे पंजे गुरु दे प्यार विच भिजे हुए ने। हे मेरे वाहिगुरु, एक कृपा करना किते साडे हिरदे विच भी ना एक किणका प्यार वस जाए गुरु दा, कि एक किणका आ जाए, किते सौखी गल है अपना आपा कुर्बान कर देना। हालांकि देखो गुरु ने दस्या नहीं क्यों सिर चाहिए, गुरु ने यह नहीं आख्या फलाने काम लई चाहिए, नहीं, सिर्फ इना ही हुक्म सी उठो एक सिर चाहिए,
बढ़ार जाइए किन्नी हिम्मत चाहिए जब किन्ना डूगा प्रेम होवेगा गुरु दे एक बचन तो अपना आपा कुर्बान करने लिए तैयार हो गया। मैं सोचना एक बार ख्याल ना आया घरद्या पिछे छड़ के आया दस ते लईए मरण लगे हैं कित एक बार ख्याल नहीं आया एक बार यह ख्याल नहीं आया बिजनेस छड़ के आया कामकार छड़ के आया पता नहीं की होवेगा साढ़े बच्चों कौन पालेगा। इना अटल प्रेम इना डूंगा प्रेम चलो आप विचार रहे सर पंजे दे पंजे गुरु दे प्रेम विच पिजे हुए पंजे दे पंजे किस अतारी रेंडमली चुने गए ने गुरु ने कुछ नहीं आख्या कितों का होवे केड़ा होवे केड़े इलाके का होवे नहीं कुछ भी नहीं सिर्फ इना ही सी कोई है जिहड़ा सिर भेटा करे पंजे किस अतारी अमृत छका दिता। जे ये ख्याल हुंदा ना बई कृपाना बस अज ही पाउणियां ने अज तो ही शुरू करना तो सच जानना मेरा ख्याल है इतिहास आखदा है कि पहले दिहाड़े तकरीबन 20,000 के करीब सिखा ने अमृत छकिया पंजां प्यारियां तो बाद 20,000 के करीब सोच सकते हो 20,000 कृपाना रातों रात बन सकदियां ने संभव है। हर सिख लई दो कशहरे चाहिए ने 40,000 कशहरे रातों रात बन गए होंगे ऐसा तो नहीं हो सकता 20,000 कड़े ही रातों रात बना देते हो सारे बचन क्यों किए जा रहे हैं सिर्फ इस लई सानू समझ आ जाए ठीक है महाराज गुरु गोबिंद सिंह साहिब सचे पातशाह ने हुक्म कर दिता हुण इस तो घट नहीं सिखी की पहचान है आइडेंटिटी इस तो घट नहीं पर इसका भाव यह नहीं कि उस तो पहला कोई भी किसा धारी नहीं सी हुंदा जां कोई भी श्री साहब नहीं सी पैणदा नहीं आम करके सिख जगत विच सिख जीवन विच इस सब रहता है सन गुरु ने फाइनल कर दिता हुण इस तो घट नहीं। चलो होर अगे चलिए आपां विचार रहे सां नौजवान का सवाल सी गुरु नानक ने ते एक जनेऊ नहीं पाया गुरु गोबिंद सिंह साहब ने पंज ककार बख्श दिते ये पंज जनेऊआं वर्गे नहीं आओ जरा विचारीए समझ रहे सां इसलिए नहीं पहनिया जनेऊ क्योंकि जनेऊ जात पात का वड्डे छोटे का उच्चे नीवें का प्रतीक है जिन्हें गुरुआं ने अमृत छकिया है उन्होंने जरूर ख्याल होगा अमृत छकाण तो बाद ना सिख जीवन विच एक बारी यह गल जरूर की जाती अमृत छकाण तो फौरन बाद जिन्हें ने अमृत छकिया है उन्हें सारे एक लाइन विच खड़ा कर लिया जाता है तो फिर हुक्म किया जाता है सारे जने इको बाटे नाल मूह ला के अमृत छकन इको बाटे नाल हुण उत्थे वड्डा भी खड़ा छोटा भी महान भी ममूली भी उच्चा भी नीवा भी राजा भी रंक भी अमीर भी गरीब भी बुढ़ा भी बच्चा भी स्त्री भी ते मर्द भी कोई फर्क नहीं किसा धारी होने एक ही हुक्म है इस तो इलावा होर कोई हुक्म नहीं ये तो सगों एकता कर देती गुरु ने एकता दे सूत्र विच परो दिता वड्डे छोटे दा भेद मिटा दिता। कदे सुने भी महाराज गुरु कलगीधर ने क्या होवे जेड़े फलाने सिख ने वो इनी लंबी कृपाण पाउण ते जेड़े फलाने सिख ने इनी लंबी कृपाण पाउण जां इस तरह की पाउण नहीं एक ही हुक्म है श्री साहब पहननी है बहादुरी ते आजादी ते प्रतीक वजों पहननी है एक ही हुक्म सी चंगे आचरण की निशानी वजों कछहरा पहनना है कोई वखरेवा है स्त्री होवे मर्द होवे वड्डा होवे छोटा होवे शहर विच रहिंदा होवे जां पिंड विच रहिंदा होवे पढ़िया लिखिया होवे जां अनपढ़ होवे एक ही हुक्म है सारिया ने कछहरा पहनना है एक ही हुक्म है सारिया ने कड़ा पहनना है हुक्म है। चलो कुदरती मैंने एक बात याद आ गई आदरयोग बाबा गुरमुख सिंह जी पटियाले वाले बड़े उच्चे जीवन के मालिक सन और उन्होंने खूबी आम करके पहरावा संतां वाला सी पर ख्याल विचार ते प्रचार तत् गुरमत है
गुरु की गल, सिर्फ गुरु की गल। एक दिहाड़े एक नौजवान उन्होंने कोल पहुंचा तो आखन लगा, एक गल दसो, गुरु का हुक्म है कड़ा ही पाना, मैं सोने का कड़ा पा लवा। बाबा गुरमुख सिंह हस पै तो हस के कहन लगे, वेख भाई मित्रा तैन मैं दस देना, तेरी खुशी जिम्मे मर्जी कर ली। कह लगे दसो जी। बाबा गुरमुख सिंह पटियाले वाले हस के कहन लगे, वेख जे तो तू सरबलोह का कड़ा पाएगा फिर तो होवेगा गुरु का सिख, तो जे सोने का कड़ा पाएगा ना फिर जू होवेगा माया का सिख, तो फिर होवेगा सहुरिया का सिख, क्योंकि आम तौर पर सहुरे कड़ा पहना सोने का। जे गुरु का सिख बनना फिर तो सरबलोह का पहनना चाहिए, पर क्यों पाया? बॉम्बे विखे एक नौजवान मैं आखन लगे, मेरे कॉलेज में मेरे दोस्त पूछते हैं, वट इज दिस यूजलैस बैंगल, आ की तुसी बेकार जे अपने हाथ में एक चूड़ी दे पाई है, कड़े के बारे कह रहा है। आखन लगा दसो की जवाब दिया। मैं क्या पलिया पुरखा, जवाब तो है, समझण की लोड़ है। आखन लगा किवें? मैं क्या वेख भावें रिवाज साडा नहीं, यह रिवाज बेसिकली ईसाइयों का सी, बई मुंदरी पहनाई जाए, पर हौली हौली समाज ने एवें अपना ली रिंग सैरेमनी। मैं क्या दस भला किसी नौजवान बच्ची ने रिंग पहनी हुई होवे, एंगेजमेंट रिंग होवे ममूली जी, कोई उसनू पूछे वट इज दिस यूजलैस रिंग, की जवाब देवेगी? कोई पूछे की बेकार जी पाइए तू अपने उंगल में, पता है की आखेगा? भावें इसकी दुनियावी कीमत ममूली होवे पर भोलिया तू नहीं जानता ये बड़ी कीमती है, क्यों? क्योंकि ये मेरा ते मेरे प्यारे का संबंध मैनु चेता करवाउंदी है, बस यही कीमत है। प्रोफेसर पूरन सिंह आख्या करते सन, मैं नहीं जानता गुरु ने कड़ा क्यों पवाया, तो मैं जानना भी नहीं चाहता, पर सिर्फ यह नहीं जानता, जदों भी मैं कितने अपने हाथ में वेखना ना जिस हाथ में मैं कड़ा पाया होया है, मैं ना फौरन मेरा महबूब सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब याद आ जाते हैं, जदों मैं सोचता गुरु ने भी इस तरह अपने हाथ में कड़ा पाया होगा। इट इज ए फीलिंग ऑफ रिलेशनशिप, प्रेम का, गुरु नाल नेड़ता का एहसास। कड़ा इसलिए पाना, इसलिए मैं समझा रहा सा नौजवान, बड़ी डूंगी गल है, जिस मकसद करके गुरु नानक ने एक जन्यू नहीं पाया, क्योंकि वर्ण वंड का प्रतीक सी, उसे मकसद लई वर्ण वंड नू मिटाउण दे लई गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सचे पातशाह ने सानू ऐ ककार बख्श दिते, एकता का प्रतीक है, एकता, सारा समाज एक हो जाए। मैं बिना कर रहा सा, जगत भगतां दे बोल गुरुआं दे बोल नहीं समझदा, ना संसारिक तौर पर ना अध्यात्मिक तौर पर। भगत रविदास जो कुछ आख रहे ने बड़ा डूंगा है पर बड़ा प्यारा आखते ने। मैं वेखदा पिया लोग मैनू कहिंदे ने यह जुतियां गंढदा है, लोग आखते ने जुतियां गंढदा है, चमार है, चम का काम करता है, लफ्जां लई खिमा कर देना, क्योंकि भगत रविदास ने खुद यह लफ्ज अपने लिए वरते हैं, वरना मेरा मन है जिस व्यक्ति के बोलों मैं रोज गुरु ग्रंथ साहब मत्था टेकदा, मैं उस प्रति कोई माड़ा बोल कि मैं बोल सकता? भगत रविदास पता की कहते हैं? लोग कहते हैं चमार है, जुतियां गंढद है, पर भगत रविदास आखते हैं मैंने तो जुती गंढनी नहीं आती, मैं किवें गंढांगा, मैनू तो गंढनी नहीं आती। तुसी कह सकते हो भगत साहब झूठ बोलते हैं, सारी दुनिया कहती है जुतियां गंढ दे सन, चौंक विच बैठे हुए जुतियां गंढ दे सन, जुतियां गंढण का कम करते हैं। भगत रविदास कहते हैं मैंने तो जुती गंढनी नहीं, गंढनी ही नहीं आती, चमरट्टा गांठ ना जाने, नहीं जानता गंढना, जुती गंढनी नहीं जानता।
फिर आखते ने हां जदों मैं लोगों वाल झाती मार के वेखदा तो मैनू लगता है दुनिया का हर बंदा ही जुतियां गंढ रहा है। एक बार प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। कमाल हो गई, दुनिया आखदी है सिर्फ रविदास जुतियां गंढ देना है, असी थोड़ा ओ चमारा वाला काम करते हैं, असी थोड़ा करते हैं। भगत रविदास कहते हैं मैनू जुत्ती गंढनी नहीं जे आती, हां मैं वेखदा सारी दुनिया जुतियां गंढ रही है, तो जुतियां गंढन वाला काम तो जे यही चमार पुना है तो फिर तो सारी दुनिया करती पई है। किस तरह कि लोगों की गल तो चिड़ के आखते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि भगत साहब के बोल उन्हों की नजर बड़ी उची हो गई है। वो कहते हैं भाई इस गल कोई महानता नहीं, इस गल एक गल कोई माड़ी नहीं कि कितने जुत्ती गंढी जाए पैरों पहनण वाली, पर आखते हैं कि सोचते यह शरीर एक जुत्ती नहीं, हर बंदा इस जुत्ती गंढन ही हर वे लगा हुआ है, सवेर तो लैके शाम तक, शाम तो लैके सवेर तक, सारी जिंदगी इसे की संभाल है। फट जाए, खराब हो जाए, फिर सिवा लेंदा है। इस ख्याल भाव सी मैं शरीर दियां लोड़ां दे भाव तो उत्ते उठ गया, हुण हर वेले मेरा ध्यान सिर्फ शरीर वल नहीं, जगत दा हर वेले शरीर वल है। खाना है शरीर लई खाना है, पहनना है शरीर लई पहनना है, सजाना है फैशन की है शरीर नूं सजाना है, सारी दुनिया का ख्याल सिर्फ इसे पासे वल है। भगत रविदास कहते हैं मैं हुण जुत्ती गंढनी छड़ दिती है, चमरट्टा गांठ ना जनाई, मैं ते गंढनी नहीं जानता, मैनू की पता जुत्ती किने गंढी दी है, भाव मैं शरीर का ख्याल छड़ दिता है। मैं फिर दोहराना गुरुद्वारे भी बैठिए ना, साडा ध्यान इसे लई कागर नहीं हुंदा, बाणी सुनण विच बाणी पढ़न विच शरीर दियां लोड़ां तंग करदियां रहिंदियां ने, कदे भुख लग जाती है, कदे प्यास लग जाती है, कदे थक जाने, कदे होर शरीर नाल जुड़े हुए सौ ख्याल आ जाते हैं। भगत साहब आखते हैं नहीं, मैं तो ख्याल करना छड़ दिता है, लोड़ां पूरियां करदा पर मैं शरीर हां, शरीर लई ही मैं सारा कुछ करना है, यह ख्याल त्याग दिता है। आखते हैं मैं वेखदा सारी दुनिया यह कम ते करदी पई है, लोग गठावे पन ही, फिर आखते ने आर नहीं जेहे तोपा, आर जीदे नाल चमड़े दे विच्चों मोरी करके लंघाई देना तागा, आर सुई एक किस्म दी सुई, कहते ने आर है नहीं जीदे नाल मैं तोपा लावा, मेरे कोल नहीं है, भाव मेरे मन विच्चों इस जुत्ती नू गंढन दा ख्याल खत्म हो गया। नहीं रामबी थाओ रोपाओ, रंबी नाल कटना है वढ़ना है सवारना है। आखते ने मैं रंबी सुट दिती है, जिदे नाल हर वेले शरीर वाल ख्याल रहिंदा है, भाव शरीर का ख्याल ही मुका दिता है। लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा, सारी दुनिया लुटी जा रही है जम्मण तो लैके मरण तक इसे ख्याल में ही, हाए मैं शरीर लिया करा, हाए मैं शरीर लिया करा, मेरे शरीर नूं आ भोजन चाहिए, सिर्फ शरीर का ख्याल। कहिंदे ने सारी दुनिया जीवन व्यर्थ गवा रही है, पर हाँ बिन गंठे जाए पहुंचा, मैं बिना गंढण तो ही भाव शरीर का ख्याल त्याग के रब्बी दरगाह ते पहुंच गया, वाहिगुरु विच लीन हो गया, प्रभु तक पहुंच गया। फिर आखदे ने रविदास जपै राम नामा, यह अवस्था मैं किवें हासिल कीती है? वाहिगुरु का नाम जप जप के, वाहिगुरु का नाम जप जप के, परमेश्वर का नाम जप जप के। अज ना बहुते विद्वानों आ बड़ी मुश्किल आ रही है, सच जानना महसूस करते हैं, जुबान नाल बार बार बोलना है तो व्यर्थ काम है, पर जपन का लफज जप का अखरी अर्थ की करोगे? जप का मतलब है जुबान नाल बार बार बोल, जप जुबान नाल बोल। भगत रविदास कहते हैं जुबान नाल जप जप के, जप जप के, जप जप के यह अवस्था मिली है कि हुण मेरा ध्यान इस शरीर रूप जुत्ती दे गंढन वाल नहीं रहा, हुण उच्चा उठ गया। रविदास जपै राम नामा,
मोहे जम स्यों ना ही कम। हुण जम नाल भी मैनू कम नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मेरे दुनिया के ख्याल नहीं रहे, शरीर वाल मेरी सुरती नहीं जाती, मन ते अकाल पुरख वाहिगुरु नाल जुड़ गया, सुरती प्रभु विच लीन हो गई है, जप जप के। इसलिए जम नाल भी मैनू सरोकार नहीं रहा, जीवन ते उच्चा हो गया। गुरु अमरदास ठीक आखते हैं, भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां हां केरी, बिखम मार्ग चलना, लब लोभ अहंकार तद तृष्णा, बहुत ना ही बोलना। की सोचते हो, रस्ता बड़ा सौखा है? जिथे लब ना होवे, खाण दा लालच ना होवे, जिथे लोभ ना होवे, जिथे अहंकार ते वधू बोलना ना होवे, ए रस्ता सौखा है? गुरु आखदे ने नहीं, खन्यों तिखी वालों निकी, वेरी थिन पाथ, बड़ा तंग है यह रस्ता। खन्यों तिखी वालों निकी, एक मार्ग जाना, भगत जन इस रस्ते ते तुरदे ने, ते अज भगत रविदास साहब जेड़े बोल फरमान कर रहे हैं, वह भी इसे रस्ते दे ने। आखदे ने मैं दुनिया का ख्याल छड़ दिता है, माया का ख्याल छुट गया है, शरीर का ख्याल खत्म हो गया है। हाँ, सारी दुनिया हाला शरीर के ख्याल में घूमती हुई प्रतीत होंदी है। आओ गुरु के चरणों में हाथ जोड़ के अरदास करिए, मेरे सच्चे पातशाह कृपा करनी। असी भी नाम जपद्या जपद्या, बाणी पढ़द्या पढ़द्या, सिर्फ तो सिर्फ शरीर के ख्यालों तो मुक्त हो गए, रब्बी प्यार में जुड़ सकी, फिर जीवन सफल हो जाए। अज इतने बचन स्वीकार कर लेने, अनेक प्रकार दियां गलतियां भुलना चुकन लई आप सरबत पासों दोवें हाथ जोड़ के खिमा चाहना। आने वाले दिन जिनी को सेवा सतगुरु ने बख्शी, यतन करांगे आप गुरबाणी विचार दे नाल नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज सच्चे पातशाह के पावन जीवन और सतगुरु के सिद्धांत के बारे में भी विचार कर सकी है। गलतियां भुलना चुका लिखे मान जी, फतेह बुलाओ जी, वाहेगुरु जी का खालसा। हरे कृष्ण प्यार।